हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैजिक्स अकेडमी। तो अभी तक हम लोग एलजेब्रा का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पढ़ लिए थे, कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, और आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स करवाने वाला हूं। उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एड 2p² q² माइनस 3pq + 4 5 + 7pq माइनस 3p² q², ठीक है। तो करते हैं इसको, 2p² q² माइनस 3pq + 4 प्लस 5 + 7pq माइनस 3p² q², ओके। नेक्स्ट 2p² q² माइनस 3pq + 4 प्लस 5 + 7pq माइनस 3p² q². लाइक टर्म फर्स्ट फर्स्ट ले आते हैं, 2p² q² माइनस 3p² q² माइनस 3pq प्लस 7pq प्लस 4 प्लस 5। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 कितना हो गया माइनस 1। सो माइनस ऑफ p² q² माइनस 3pq प्लस 7pq हो गया 4pq प्लस 9। ओके हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट 4p² q माइनस 3pq प्लस 5pq² माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p² q। तो जैसे मैं पहले से बताया था, जो फ्रॉम के बाद जो है वो फ्रंट में आ जाएगा, मतलब पहले आ जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p² q माइनस 4p² q माइनस 3pq प्लस 5pq² माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10, ठीक है। इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करते हैं, 8 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p² q माइनस 4p² q प्लस 3pq माइनस 5pq² प्लस 8p माइनस 7q प्लस 10, ओके। राइट टर्म पास पास ले आते हैं, 18 राइट टर्म क्या है 10 प्लस 10 माइनस 3p राइट टर्म प्लस 8p माइनस 11q माइनस 7q प्लस 5pq ऐसा कुछ है प्लस 3pq राइट माइनस 2pq² माइनस 5pq² उसके बाद प्लस 5p² q माइनस 4p² q 18 प्लस 10 हो गया 28 माइनस 3p प्लस 8p प्लस 5p माइनस 11q माइनस 7q माइनस 18q
प्लस फाइव क्यू प्लस थ्री पी क्यू एट पी क्यू माइनस टू पी क्यू स्क्वायर माइनस फाइव पी क्यू स्क्वायर माइनस सेवन पी क्यू स्क्वायर प्लस फाइव पी स्क्वायर क्यू माइनस फोर पी स्क्वायर क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू। अब थोड़ा अरेंज भी कर लेते हैं क्योंकि जनरली जो हाईएस्ट डिग्री टर्म रहता है वो लेफ्ट साइड रहता है या स्टार्टिंग में रहता है और जो लोएस्ट डिग्री टर्म रहता है वो लास्ट में रहता है। तो पी स्क्वायर क्यू माइनस सेवन पी क्यू स्क्वायर प्लस एट पी क्यू माइनस एटीन क्यू प्लस फाइव पी प्लस ट्वेंटी हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफाई माइनस हाफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस वन बाई थ्री ए बी स्क्वायर सी माइनस वन बाई फोर ए बी सी स्क्वायर माइनस वन बाई फाइव सी बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वन बाई सिक्स सी बी स्क्वायर ए माइनस वन बाई सेवन सी स्क्वायर ए बी प्लस वन बाई एट सी ए स्क्वायर बी। ठीक है, देखते हैं क्या होगा इसका। पहले जितना लाइक टर्म है सबको पास पास ले आते हैं माइनस वन बाई टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। कुछ लाइक टर्म है इसका माइनस वन बाई फाइव सी बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वन बाई फाइव सी बी स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो लाइक टर्म क्यों है, इसमें ए स्क्वायर है इसमें भी ए स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है इसमें सी है इसमें भी सी है। ठीक है, नेक्स्ट प्लस वन बाई थ्री ए बी स्क्वायर सी ए बी स्क्वायर सी ए होगा बी स्क्वायर होगा और सी होगा कुछ है ये वन बाई सिक्स सी बी स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट माइनस वन बाई फोर ए बी सी स्क्वायर। देखो ए बी सी स्क्वायर कुछ है ये सी स्क्वायर ए बी माइनस वन बाई सेवन सी स्क्वायर ए बी। नेक्स्ट और कुछ है लास्ट में एक बार ये देखो ये प्लस वन बाई एट सी स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखते हैं क्या किया जाता है। कॉमन ले जाओ नहीं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी कॉमन ले जाओ माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई फाइव प्लस इससे कॉमन गया ए बी स्क्वायर सी वन बाई थ्री प्लस वन बाई सिक्स उसके बाद माइनस ए बी सी स्क्वायर वन बाई फोर प्लस वन बाई सेवन प्लस वन बाई एट सी स्क्वायर बी। ठीक है, नेक्स्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी एलसीएम हो गया टेन ये हो गया फाइव माइनस फाइव माइनस टू प्लस ए बी स्क्वायर सी एलसीएम कितना होगा सिक्स राइट ये हो गया टू प्लस वन माइनस ए बी सी स्क्वायर एलसीएम हो गया ट्वेंटी एट तो ये हो गया सेवन प्लस फोर प्लस वन बाई एट सी स्क्वायर बी। उसके बाद हो गया माइनस फाइव माइनस टू कितना हो गया माइनस सेवन बाई टेन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस टू प्लस वन हो गया थ्री बाय सिक्स ए बी स्क्वायर सी माइनस इलेवन बाय ट्वेंटी एट ए बी सी स्क्वायर प्लस वन बाय एट सी स्क्वायर बी। अब थोड़ा अरेंज कर लेते हैं
माइनस सेवन बाई टेन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस वन बाई एट ए स्क्वायर बी सी प्लस ये हो गया थ्री सिक्स कैंसिल हो गया वन बाई टू हो गया तो वन बाई टू ए बी स्क्वायर सी माइनस इलेवन बाई ट्वेंटी एट ए बी सी स्क्वायर हो गया आंसर। ये था तुम्हारा फाइनल, ठीक है। लाइक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबट्रैक्ट द सम ऑफ 3l माइनस 4m माइनस 7m स्क्वायर एंड 2l प्लस 3m माइनस 4m स्क्वायर फ्रॉम द सम ऑफ 9l प्लस 2m माइनस 3m स्क्वायर एंड माइनस 3l प्लस m प्लस 4m स्क्वायर। मतलब मैं पहले से बताया था कि फ्रम के बाद जो होगा वो पहले आएगा, तो फ्रम के बाद जो ये सम है ये दोनों का सम पहले आ जाएगा, उसके बाद ये दोनों का सम निकलेगा। तो क्या क्या होगा, 9L, 9L प्लस 2M माइनस 3N स्क्वायर माइनस 3L प्लस M प्लस 4N स्क्वायर। ये इसका क्या होगा, प्लस होगा, ऐड होगा, नहीं सम दिया हुआ है। तो माइनस फिर से ब्रैकेट में रखते हैं 3l माइनस 4m माइनस 7n स्क्वायर प्लस 2l प्लस 3m माइनस 4n स्क्वायर। नेक्स्ट ऐड करते हैं 9l प्लस 2m माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3l प्लस m प्लस 4n स्क्वायर माइनस 3l माइनस 4m माइनस 7n स्क्वायर प्लस 2l प्लस 3m माइनस 4n स्क्वायर 9l माइनस 3l प्लस 2m प्लस n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर माइनस 3l प्लस 2l माइनस 4m प्लस 3m माइनस 7n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर 9l माइनस 3l हो गया 6l प्लस 2m प्लस n हो गया 3m माइनस 3n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर हो गया प्लस n स्क्वायर माइनस 3l प्लस 2l हो गया 5l माइनस 4m प्लस 3m माइनस m माइनस 7n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर माइनस 11n स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करते हैं 6l प्लस 3m प्लस n स्क्वायर माइनस 5l प्लस m प्लस 11n स्क्वायर। तो लाइक टर्म पास पास ले आते हैं 11n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 3m प्लस m प्लस 6l माइनस 5l 11n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो गया 12n स्क्वायर प्लस 3m प्लस m प्लस 4m 6L माइनस 5L प्लस हो गया। ये था तुम्हारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसे एडिशन में रूल था कि लाइक टर्म ऐड हो सकता है, इसमें वही लाइक साइन का रूल है। उसमें लाइक टर्म का रूल था, इसमें लाइक साइन का। जैसे कि द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स हैविंग लाइक साइंस ऑलवेज बिकम्स पॉजिटिव, ठीक है। जैसे कि दो टर्म है, पहला टर्म का साइन प्लस है, सेकेंड टर्म का साइन भी प्लस है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट भी हमेशा प्लस आएगा, पॉजिटिव आएगा। दो टर्म है, एक का साइन है माइनस, दूसरे का साइन है भी माइनस, मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी आएगा प्लस, दैट मीन्स पॉजिटिव आएगा।
ठीक है, बट द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स हैविंग अनलाइक साइन ऑलवेज बिकम्स नेगेटिव, दैट मीन्स प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस ऑलवेज बिकम्स माइनस, ये रूल्स याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद सेकेंड रूल, ये फर्स्ट रूल था, सेकेंड रूल एक्सपोनेंट में थोड़ा बहुत हम लोग यूज किए हैं, वही रूल है, ए इंटू ए, लेट दो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ए इंटू ए तो क्या हो रहा था, ए स्क्वायर, ठीक है, ए इंटू ए इंटू ए, ए क्यूब, ठीक है, लेट ए टू द पावर एन मल्टीप्लाई बाय ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन, ठीक है, ये रूल सब याद रहना चाहिए मल्टीप्लिकेशन जब भी कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन में पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या, मोनोमियल इंटू मोनोमियल, मतलब ये एक टर्म होगा, ये सिंगल टर्म, ये सिंगल टर्म, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। मैं जितना भी मल्टीप्लिकेशन होगा उसको कंपेयर करूंगा नंबर सिस्टम के साथ, नंबर मल्टीप्लिकेशन के साथ, ठीक है। अगर हम लोग नंबर मल्टीप्लिकेशन के साथ उसको कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा वो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है समझने के लिए इजी हो जाता है, ठीक है। मोनोमियल इंटू मोनोमियल मतलब सिंगल डिजिट नंबर कैसे मल्टीप्लाई होगा वैसे मोनोमियल इंटू मोनोमियल होता है, जैसे कि देखो 7 इंटू 4 क्या हो गया डायरेक्टली 28, सेम थिंग 7x इंटू 4y, 7 इंटू 4 28x इंटू y x1 खत्म। अगर ये सेम होता 7x इंटू 4x तो क्या होता 7 इंटू 4 28x इंटू x एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर ये दो वेरिएबल तो होता 7xy इंटू 4xy, 7 इंटू 4 28x इंटू x एक्स स्क्वायर y इंटू y वाई स्क्वायर, ठीक है। 7x स्क्वायर y इंटू 4x स्क्वायर y क्या 7 इंटू 4 28x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x टू द पावर 4 y इंटू y वाई स्क्वायर, ठीक है। 7x स्क्वायर y इंटू 4 एक्स वाई स्क्वायर, 7 इंटू 4 28 एक्स स्क्वायर इंटू x एक्स क्यूब y इंटू वाई स्क्वायर y क्यूब, ठीक है। ये है मोनोमियल इंटू मोनोमियल। नेक्स्ट सेकेंड है बाइनोमियल इंटू मोनोमियल और मोनोमियल इंटू बाइनोमियल। जो भी हो सकता है, पहले मोनोमियल हो सकता है बाद में बाइनोमियल हो सकता है, ठीक है। पहला बाइनोमियल हो सकता है बाद में मोनोमियल हो सकता है। देखो हम लोग एक सिंगल डिजिट नंबर के साथ डबल डिजिट नंबर कैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, लाइक 7 इंटू 28, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग 7 इंटू 28 तो पहले क्या मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। वही सेम चीज होगा 7 इंटू 8 56, 5 कैरी हो गया, 7 इंटू 2 14 प्लस 5 9 हो गया। सेम थिंग ये प्रॉब्लम होता है हमेशा, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि 7 इंटू 28 पहले मैं मल्टीप्लाई किया किसके साथ 8 के साथ, फिर मल्टीप्लाई किया 2 के साथ और फिर ऐड किया, नहीं आ रहा है समझ में। देखो इसको मैं क्या किया, पहले 8 के साथ मल्टीप्लाई किया हूं फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया हूं, पहले 7 इंटू 8 किया कितना हुआ 56, फिर 7 इंटू क्या किया 2 फिर ऐड किया 40, ठीक है।
और ये दोनों को ही ऐड किया हूं, 691 ऐसे ही ऐड हुआ है। इसीलिए जब भी हम लोग मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, बाइनोमियल इंटू मोनोमियल कर रहे हैं, तो मोनोमियल का एक टर्म बाइनोमियल का ईच टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5x मल्टीप्लाइड बाय 2y प्लस 7z, ठीक है। क्या किए थे हम लोग इसमें, जैसे एक टर्म दोनों के साथ मल्टीप्लाई, एक बार एक के साथ एक बार टू के साथ, इसमें भी सेम थी, ये एक टर्म पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, या तो उल्टा भी कर सकते हो, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 5x इंटू 2y कितना हो गया, 5 इंटू 2 10, x इंटू वाई एक्स वाई, जैसे प्लस था प्लस होगा, माइनस हो है तो माइनस ही होगा, 5 इंटू 7 35, x इंटू जेड एक्स जेड, काम खत्म। आया समझ में? नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं, 3p मल्टीप्लाइड बाय 4q माइनस 8r, क्या होगा, 3 इंटू 4 12, पी इंटू क्यू पी क्यू, उसके बाद माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 इंटू 8 24, पी इंटू आर पी आर, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसका नंबर ऑफ वेरिएबल थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। तो 3p² मल्टीप्लाइड बाय 7ab प्लस 2mn, ठीक है। अब सेम थिंग सेम मेथड्स, 3 इंटू 7 21, पी स्क्वायर इसमें कुछ है, पी स्क्वायर पी कुछ टर्म है नहीं है, तो जैसे कि वैसे क्यू क्यू ए बी प्लस 3 इंटू 2 6 पी स्क्वायर क्यू एम एन, बस ठीक है। नेक्स्ट 3 बाई 2 पी आर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई 5 एस टी माइनस 2/7 एम एन, क्या होगा, 3/2 इंटू 1/5 3/10 पी आर एस टी, पी आर एस टी माइनस 3/2 2/7, 2 और 2 कैंसिल तो बाकी हो गया 3/7 पी आर एम एन, हो गया। जैसे नंबर सिस्टम में होता है इसमें भी सेम होता है, कुछ अलग नहीं होता है, बोलते हैं कि इसमें अलग होता है, नहीं अलग नहीं होता है, सेम थिंग होता है, ठीक है। बट उसको बस लिंक करना होना चाहिए, वो आना चाहिए कि कैसे लिंक करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, इससे पहले मैं देखता हूं नंबर सिस्टम में हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लेट 23 और 45, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, नहीं देखते हैं, कॉलम मेथड में पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं फिर इसमें कर रहा हूं। 23 पहले क्या किया जाता है, 3 के साथ मल्टीप्लाई होता है, राइट, 3 इंटू 5 15, 1 कैरी, 3 4 या 12 प्लस 1, तो ये हो गया 13, ठीक है। पहले 3 के साथ ये एक बार मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 एक बार मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, 2 इंटू 5 मतलब ये 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 2 इंटू 5 10, ठीक है, कैरी 1, 2 इंटू 4 8 प्लस 1 9, फिर ऐड करते हैं 5 3 10, ठीक है। देखो इसका ईच टर्म मतलब 23 का ईच टर्म 45 के ईच डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ओके, नहीं 3
मल्टीप्लाई हुआ 5 के साथ, फिर 3 मल्टीप्लाई हुआ 4 के साथ, जितना भी हुआ फिर 2 मल्टीप्लाई हुआ 5 के साथ, 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 के साथ, फिर जितना हुआ वो सबको ऐड किया। सेम थिंग एलजेब्रा में होता है, लेट ए प्लस बी है, सी प्लस डी है, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे पहला क्या होगा, इसका पहला टर्म ए, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, सी प्लस डी प्लस ये बी, फिर इसके साथ सी प्लस डी। जितना नंबर सिस्टम में हुआ था इसमें भी वही होता है, अलग नहीं होता है, और अलग हो है समझ के सोच के ये उल्टा पुल्टा मत करना, ठीक है। ए इंटू सी क्या हो गया, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। सेम थिंग इसमें भी ये एक नंबर दोनों डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर एक नंबर फिर दोनों डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। ईच डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ईच टर्म दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, 3x 2y 3x प्लस 2y मल्टीप्लाइड बाय 5x 7y, ठीक है। क्या होगा, 3x ईच टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स 5x प्लस 7y, फिर 2y, फिर इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पहला टर्म पूरे टोटल एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड टर्म पूरे टोटल एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब मोनोमियल इनटू बाइनोमियल फॉर्म में आ गया। इसका एक्चुअली प्रोसीजर क्या है, पहले मोनोमियल हो बाइनोमियल हो ट्राइनोमियल हो, उसको बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल है तो बाइनोमियल मोनोमियल इंटू बाइनोमियल फॉर्म में लिया जाता है, फिर मोनोमियल बाइनोमियल, फिर क्या करते हैं मोनोमियल इंटू मोनोमियल फॉर्म में लिया जाता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर लाइक टर्म होगा तो उसको ऐड कर दिया जाता है। देखो मैं इसको क्या किया, 3x इंटू 5x प्लस क्या हो गया, मोनोमियल इंटू मोनोमियल हुआ तो पहले क्या था बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, उसको स्प्लिट किया तो मोनोमियल इंटू बाइनोमियल हुआ, उसके बाद फिर मोनोमियल इंटू मोनोमियल हो जाएगा, 3x इंटू 7y प्लस 2y इंटू 5x प्लस 2y इंटू 7y, 3 इंटू 5 15x स्क्वायर, ये हो गया 21xy प्लस 2 इंटू 5 10xy प्लस 14y स्क्वायर, 15x स्क्वायर, ये देखो ये दोनों लाइक टर्म है तो मैं क्या करूं, इधर को ऐड कर दूंगा, 31xy प्लस 14y स्क्वायर, क्लियर। ऐसे होता है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं, क्या मल्टीप्लाई करना है, 1 बाय 5x माइनस 1 बाय 4y इंटू 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, सेम थिंग क्या करेंगे, इसको बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल है तो पहले कन्वर्ट करेंगे मोनोमियल इंटू बाइनोमियल या बाइनोमियल इंटू मोनोमियल फॉर्म को, दैट मींस ईच एक्सप्रेशन का ईच टर्म दूसरा एक्सप्रेशन का ईच टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट मींस 1 बाय 5x मल्टीप्लाइड बाय 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, 1 बाय 4y 5x square minus 4y square. Clear? Next. 1 by 5x multiplied by 5x square. उसके बाद 1 by 5x multiplied by minus of 4y square. ठीक है? Next. Minus of 1 by 4 y प्लस दे जाना और जिसका जो साइन है उसी के साथ देखना, 1 by 4 y multiplied by 5 x square plus minus 1 by 4 y multiplied by minus of 4 y square. Next 5 cancel तो ये हो जाएगा
एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस फाइव, इसमें क्या होगा प्लस इंटू माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो 1 बाय फाइव इंटू माइनस फोर तो हो गया माइनस फोर बाय फाइव एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस इंटू प्लस, फिर से माइनस, ठीक है। माइनस वन बाई फोर इंटू फाइव तो माइनस फाइव बाई फोर, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई, उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस, फोर फोर कैंसिल, ठीक है वाई क्यूब, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। हमारे पास दो क्वेश्चन है, 4 बाय नाइन ए बी सी क्यूब मल्टीप्लाई बाय माइनस 27 बाय 5 ए क्यूब बी स्क्वायर माइनस 8 बी क्यूब सी, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ये दोनों होगा, उसके बाद जो रिजल्ट होगा ये मल्टीप्लाई होगा। 4 बाय नाइन माइनस 27 बाय 5, 4 बाय नाइन ए बी सी क्यूब मल्टीप्लाइड बाय माइनस 27 बाय 5 ए क्यूब बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 9 3 है, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ तो कैंसिल होगा नहीं, इनटू माइनस 8 बी क्यूब सी। नेक्स्ट 4 3 जाए 12 प्लस इनटू माइनस माइनस 4 3 जाए 12 और ये हो गया 5, ये a टू दी पावर 4 b इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब सी क्यूब मल्टीप्लाइड बाय माइनस 8 बी क्यूब सी, ठीक है। अब देखते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस 12 इंटू 8 96 बाय 5 a टू दी पावर 4, इसमें तो a टर्म कुछ नहीं है, डायरेक्टली a टू दी पावर 4 बी क्यूब b टू दी पावर 6 सी क्यूब इंटू सी सी टू दी पावर 4, ठीक है। ये हो गया, नेक्स्ट देखते हैं, राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ माइनस 8 एक्स स्क्वायर वाई 6 एंड माइनस 20 एक्स वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 2.5 एंड वाई इक्वल टू 1, ठीक है। माइनस 8 एक्स स्क्वायर वाई 6 माइनस 20 एक्स वाई, माइनस इंटू माइनस प्लस 20 इंटू 8 160 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो गया एक्स क्यूब वाई टू द पावर 6 इंटू वाई हो गया वाई टू द पावर 7। अब वैल्यू पुट करते हैं 160 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1 टू द पावर 7, ठीक है। नेक्स्ट 160 इंटू 2.5 का क्यूब कितना है 2.5 क्यूब, हम लोग पहले से जानते हैं कितना 15625, अब पॉइंट है तो ये तीन बार मल्टीप्लाई हुआ है तो तीन थ्री डिजिट के बाद पॉइंट 15.625 इंटू 1, ठीक है। अब देखते हैं 160 इंटू 15.625 इंटू 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो जीरो छोड़ दो, मल्टीप्लाई करो, देखो बहुत सारे मेथड्स है पर प्राइमरी स्टेज में ऐसे करो थोड़ा सा इजी होगा। नेक्स्ट 16 5 जा 80 जीरो 8 कैरी, 16 2 जा 32 प्लस 8 कितना हो गया 40 4 16 6 जा 96 प्लस 4 100 0 10 के, 16 5 जा 80 प्लस 10 90 9 के, ठीक है। 16 1 जा 16 प्लस 9 25 और ये जो 0 था ये 0 आ जाएगा, कितने टाइम के बाद कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 3 डिजिट के, तो आ गया 2500 योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड ए स्क्वायर बी मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब माइनस ए प्लस 1 माइनस ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए टू द पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 2 ए माइनस बी ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 1,
हम लोग पढ़े थे मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, बट इसमें तो दिया हुआ है ट्राइनोमियल, सेम प्लस जूल कोई प्रॉब्लम नहीं, एक इस एक टर्म ईच टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो बाइनोमियल हो ट्राइनोमियल हो मल्टीनोमियल हो जो भी हो कोई मतलब नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो कैसे करते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर बी इंटू ए क्यूब क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो गया ए टू दी पावर टू प्लस थ्री फाइव बी, ठीक है, ए स्क्वायर बी माइनस ए कितना होगा प्लस इंटू माइनस माइनस ए स्क्वायर इंटू ए ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी इंटू ए टू दी पावर फोर माइनस इंटू प्लस माइनस ए इंटू ए फोर ए टू दी पावर फाइव बी माइनस इंटू माइनस प्लस टू ए स्क्वायर इंटू ए ए क्यूब बी नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस टू ए इंटू ए ए स्क्वायर बी, ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस ए क्यूब बी, उसके बाद क्या है माइनस इंटू माइनस प्लस, सो ए स्क्वायर बी माइनस इंटू माइनस प्लस बी, ठीक है, नेक्स्ट लाइक टर्म अगर है तो उसको पास पास ले आते हैं ए टू दी पावर फाइव बी कुछ है ऐसे ये है तो माइनस ए टू दी पावर फाइव बी माइनस ए क्यूब बी कुछ है माइनस ए क्यूब बी प्लस टू ए क्यूब बी और कुछ है नहीं है, नेक्स्ट ए स्क्वायर बी कुछ है माइनस टू ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी और बी, ठीक है, ये कैंसिल माइनस ए क्यूब बी माइनस ए क्यूब बी टू ए क्यूब बी ये दो ये तीनों भी कैंसिल ए स्क्वायर बी माइनस तो ये तीनों भी कैंसिल बाकी बच गया बी इज द राइट आंसर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मल्टीप्लाई माइनस थ्री बाई टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बाय टू एक्स माइनस वाई एंड वेरीफाई द आंसर फॉर एक्स इक्वल टू वन एंड वाई इक्वल टू टू, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं माइनस थ्री बाई टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब मल्टीप्लाइड बाय टू एक्स माइनस वाई, ठीक है, माइनस थ्री बाई टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब मल्टीप्लाइड बाय टू एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री बाई टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इंटू वाई हो गया माइनस थ्री बाई टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 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 कैंसिल माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस थ्री बाई टू एक्स स्क्वायर y क्यूब इंटू वाई वाई टू दी पावर, ठीक है, अब वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई जनरली स्टूडेंट गलत कर देते हैं, वो लोग क्या करते हैं पहले से इक्वल टू देते हैं, इक्वल टू पहले से नहीं बाद में होगा, ये कैसे वेरीफाई करते हैं देखो एल एच एस, ठीक है, ऐसे वेरीफाई होगा एल एच एस कौन सा साइड होगा पहले वाला माइनस थ्री बाई टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इंटू टू एक्स माइनस वाई, वैल्यू पुट करते हैं माइनस थ्री बाई टू एक्स स्क्वायर वन का स्क्वायर वाई क्यूब टू का क्यूब नेक्स्ट मल्टीप्लाइड बाय टू इंटू वन माइनस टू, तो ये हो गया कितना माइनस थ्री बाई टू वन का स्क्वायर वन टू क्यूब एट मल्टीप्लाइड बाय टू इंटू वन माइनस टू इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई हो गया तो जीरो आर एच एस, ये क्या होगा जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया माइनस थ्री एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस थ्री बाई टू एक्स स्क्वायर वाई फोर तो माइनस थ्री वन का क्यूब टू क्यूब प्लस थ्री बाई टू
थ्री बाय टू, वन का स्क्वायर और ये हो गया टू टू द पावर फोर, हो गया माइनस 24 प्लस 20। अब लिखते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस टेरिफाइड, ठीक है। हमारे पास दो क्वेश्चन और है और सिंप्लीफिकेशन है दोनों। x square minus 3x plus 2 into 5x minus 2 minus 3x square plus 4x minus 5 into 2x minus 1। पहले हमेशा क्वेश्चन देखना और माइनस है तो ये जरूरी है कि ब्रैकेट देना है इसे ताकि गलत ना हो, ठीक है। अब इसमें भी वही बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल पढ़े थे, लेकिन इसमें ट्राइनोमियल है, इसमें भी ट्राइनोमियल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम मेथड्स, ठीक है। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इंटू फाइव एक्स, ठीक है, माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये हो गया पहला पार्ट। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट मैं नीचे लिख रहा हूं, टू एक्स थ्री एक्स स्क्वायर फोर एक्स माइनस फाइव माइनस वन थ्री एक्स स्क्वायर फोर एक्स माइनस फाइव, बेटे ये होगा, ये लास्ट में होगा, ठीक है। अब जनरल जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे वैसे ही होगा, 5x into x square, 5x cube, ठीक है, minus into plus, minus 5 into 3, 15, x square, 5 into 2, 10, x, minus 2, x square, minus into minus, plus 2, 6, x, minus 4, माइनस 2x इंटू थ्री एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स क्यूब, 2x इंटू फोर एक्स एट एक्स स्क्वायर, 2x इंटू माइनस फाइव माइनस 10x, उसके बाद माइनस 1 इंटू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस 1 इंटू फोर एक्स माइनस फोर एक्स, माइनस 1 into minus 5 plus 5, ठीक है। नेक्स्ट अब कर्ली ब्रैकेट भी हटा देते हैं, 5x cube minus 15x square plus 10x minus 2x square plus 6x minus 4 minus 6x cube minus 8x square plus 10x प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव, लाइक टर्म पार्टनर्स ले आते हैं, फाइव एक्स क्यूब उसके बाद माइनस सिक्स एक्स क्यूब उसके बाद, और क्यूब टर्म कुछ नहीं है उसके बाद स्क्वायर, माइनस फिफ्टीन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर उसके बाद माइनस एट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट एक्स टर्म, एक्स क्या क्या है, टेन एक्स सिक्स एक्स फिर से टेन एक्स प्लस फोर एक्स, उसके बाद माइनस फोर माइनस फाइव, ठीक है। नेक्स्ट फाइव एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस फिफ्टीन माइनस टू माइनस एट प्लस थ्री, माइनस फाइव माइनस फिफ्टीन माइनस टू हो गया माइनस सेवनटीन, माइनस सेवनटीन माइनस एट हो गया माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री, तो माइनस ट्वेंटी टू एक्स स्क्वायर प्लस टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस टेन ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सिक्स प्लस फोर थर्टी एक्स माइनस नाइन, ठीक है हो गया। नेक्स्ट इसको देखते हैं, सेम मेथड्स क्या करेंगे,
पहले ब्रैकेट रख देते, ये सबसे सेफ है, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर, ठीक है। ये और मैं ठीक है, नेक्स्ट ये वाला सेकेंड टर्म 2x x स्क्वायर माइनस x प्लस वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस वन, तो ये हो जाएगा x क्यूब x इंटू एक्स क्यूब x टू द पावर फोर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, ठीक है। माइनस वन इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर माइनस, ठीक है। क्या होगा टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, ठीक है। एक्स टू द पावर फोर, ब्रैकेट ओपन करते हैं, उसके बाद x टू द पावर फोर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री। नेक्स्ट एक्स फोर के लिए कुछ टर्म है, लाइक टर्म नहीं है, तो एक्स फोर जैसे कि वैसे रहेगा, माइनस टू एक्स क्यूब और क्यूब टर्म कुछ है, फिर माइनस एक्स क्यूब और कुछ एक्स क्यूब टर्म, माइनस टू एक्स क्यूब और कोई एक्स क्यूब टर्म नहीं है, बस तीन एक्स क्यूब टर्म, ठीक है। प्लस थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर थ्री और प्लस टू एक्स स्क्वायर और कुछ है, प्लस टू एक्स स्क्वायर फिर से और कुछ, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, खत्म ये भी। उसके बाद एक्स टर्म माइनस फोर एक्स, नेक्स्ट माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स, ठीक है। कॉन्स्टेंट टर्म प्लस फोर प्लस थ्री, एक्स टू द पावर फोर माइनस टू माइनस वन माइनस टू, कितना हो गया टू प्लस टू फोर प्लस वन माइनस फाइव एक्स क्यूब, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर फाइव एक्स स्क्वायर सेवन एक्स स्क्वायर टेन एक्स स्क्वायर, माइनस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस नाइन एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस सेवन, हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दबा दिया हूं, तुम लोग घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस करो और उसके बाद डाउट पूछो, करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो मैं प्रैक्टिस नहीं होने वाला, ठीक है। प्रैक्टिस करो, बहुत सारे प्रैक्टिस करो, ताकि अच्छे से आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कोई भी नंबर अटेंड कर सकते हो, मार्क्स भी अच्छा रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट क्लास देखेंगे, थैंक यू।